हेलो सो, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं वशवल। सो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये बेस यानी रेड बेस हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। ये बेसिकली जो रेड बेस है ये पूरी डिटेल में जाने वाला हूँ और कैसे रहने वाली है। अगेन यहाँ पे इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगे है, 6 महीने यहाँ पे फाइनली इंतज़ार के बाद हमने ये रेड बेस लेके आए हैं। और इसके अंदर पूरी फिटिंग में आपको मैं दिखाने वाला हूँ, प्लस यहाँ पे जो कि टेस्टिंग होने वाली है वो पूरे यहाँ पे खुले ग्राउंड में होने वाली है, तो आपको एक्जैक्टली मालूम चलेगा कि हाँ भाई क्या क्वालिटी हम देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इस तरीके का जो सिस्टम है यहाँ पे लेना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे 4 बेस 2 टॉप्स का सिस्टम लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में कुछ और भी कस्टमाइजेशन भी करवाना चाहते हैं वहाँ पे भी है। और बहुत पसंदीदा आपका एम्पलीफायर यहाँ पे, जिसको मैं बाद में दिखाने वाला हूँ, बैकग्राउंड में आप देख चुके होंगे, मज़ा बहुत आने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मैं आपको जो कि बेस सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, या फिर कह लीजिए जो कि हमने इस वीडियो को लाने का हमारा क्या पर्पस है। तो यहाँ पे दो हमने वीडियो में यानी दो चीज़ें हमको रखी हैं इस वीडियो में। सबसे पहला तो जो कि हमारी ये बेस है, ये नई डिज़ाइन की बेस हमने यहाँ पर बनाई है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस पर जो कि ग्रिल है, यहाँ पर लुक है इसका, हर एक चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन वाइज और यहाँ पर हर एक लुकिंग यानी हर एक बोल्ट तक भी ध्यान से रखा गया है कि हाँ यहाँ पर डिज़ाइन से चलना है। और ओवरऑल यहाँ पर आप साइड में देख लीजिए कि ये है हमारा डीजे व्लॉग का लोगो, और ये सारी ही मॉडल्स पे आपको डीजे व्लॉग का लोगो जो है वो देखने को मिलेगा। अगेन यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कि ग्रिल आपको देखने को मिलती है, ये किसी भी अलग बेस से बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे आपने ऐसे कहीं कुछ ऐसा नहीं देखा होगा, कहीं मार्केट में नहीं सुना होगा कि भाई ऐसा भी कुछ बन सकता है, या देखा होगा ऐसा कहीं नहीं देखा होगा बिल्कुल भी। बाकी अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पे CNC मेड ग्रिल है, और गेज की बात करूँ तो यहाँ पे 14 गेज का इसमें यूज़ मिला है, यानी 14 गेज जो है उसके अंदर। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना जो है उसका थिकनेस हमने रखी गई है ग्रिल की, ये देख लीजिए, ये 14 गेज का जो है वो जाली है, पूरा यहाँ पे मजबूती वाला जाली होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने इस्तेमाल करा है ये बेसिकली ये है PU, हम इसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्रेलिक शीट होती है, ये 4 mm की शीट होती है, इस पर जो है वो पेस्टिंग हो रखी है। अगेन ये जो कि प्लाई, इसके अंदर प्लाई देख लीजिए कि पूरे यहाँ पर 18 mm का जो है वो यहाँ पर प्लाई इसमें यूज़ में ले गया है। ऊपर ग्रूव्स बना रखे हैं इस बेस के ऊपर, सेंटेक्स पूरा यहाँ पर पेंट हो रखा है। अगेन यहाँ पर हैंडल भी जो है वो इसके अंदर ग्रूव्स करे हुए हैं, कोई बाहर से नहीं, अलग से डिज़ाइन ऐसा नहीं लग रहा हो कि भाई हमने अलग से हैंडल इसके अंदर लगाएं। एल पत्ती, एल बोल्ट सब कुछ इसके अंदर हमने यहाँ पे लगा रखा है। स्पीकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो कि इसके अंदर स्पीकर हैं वो डायनामाइट के स्पीकर इसके अंदर यूज़ करें हैं। डायनामाइट का जो कि मॉडल है वो DX4 यहाँ पे हमने इसके में इस्तेमाल में ले रखा है। एक स्पीकर अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 1500 वाट का स्पीकर हो जाता है। अगेन एक बेस की अगर पावर की बात करूँ तो पूरा यहाँ पे 3000 वाट की बेस हो जाती है 4 रूम्स पे, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ पे इस सिस्टम की जो कि आज हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं, ये 4 बेस की जो है वो टेस्टिंग करने वाले हैं। ओवरऑल इसके लिए जो कि हमने टॉप यहाँ पे लगा रखे, तो 2 टॉप हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके अंदर हम जो कि हमने टॉप के अंदर स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे Audio X के स्पीकर दे रखे हैं। बेसिकली मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का है कि ये बेस जो कि हमने यहाँ पे लेके आए हैं, और ये रोड शो हो, लाइव के लिए हो, कहीं पे भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रोड शो के लिए बना दिया फिर लाइव के लिए बना दिया, ये दोनों जगह पे कहीं पे आप इसको लगाइए, हर जगह पे काम करेगा। तो यहाँ पे ये 2 टॉप हो जाते हैं इसके साथ में। अगेन यहाँ पे 2 टॉप की बात करूँ तो ये जो कि टॉप है Audio X 500 वाट स्पीकर के साथ में आते हैं। ऊपर यहाँ पे 750 हमने HF डाला हुआ है। अगेन यहाँ पे XRX सीरीज के अंदर ये टॉप दे रखे हैं, बेस हमारा डिज़ाइन है, और इसे इस बेस का जो कि हमने यहाँ पे नाम रखा है वो रेड बेस रखा है। चलिए ये तो हो जाता है कि हाँ हमने यहाँ पे बेस और टॉप आपको दिखा दिया, एम्पलीफायर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दोस्तों बात करूँ एम्पलीफायर्स की, तो यहाँ पे जो कि जाना माना नाम है आप सभी को मालूम है यार मेरे को, अगेन यहाँ पे जब आप ये कलर देख चुके हैं तो आपको मालूम दिमाग में ऑलरेडी आया था कि भाई ये है ज़ाइफर लैब्स का, और इसके ऊपर जो कि ये नया मॉडल्स आपको ऐसा लग रहा है ये है बेसिकली SLV का एम्पलीफायर। इसके अंदर जो कि सिस्टम है यहाँ पे, अगेन आप इसके अंदर जो है वो SLV की जगह पे यहाँ पे ज़ाइफर लैब्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे मैंने ये आपको एम्पलीफायर दे दिया तो यही मिलेगा। अगेन यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक एक टुकड़े में मिल सकते हैं, या फिर आपने कंप्लीट लेना है तो कंप्लीट भी मिल सकती है। बात करूँ तो यहाँ पे बेस के लिए 2 मॉडल्स हम यहाँ पे देते हैं, सजेस्ट करते हैं। एक तो Z6 हो जाता है जो कि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं पावर को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ कि क्लिपिंग पे आप ना जाएं, यानी कभी जरूरत भी पड़े, कंपटीशन भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लिपिंग की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि Z7 यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज Z6 बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी आप ले सकते हैं, थोड़े पैसे आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 एम्पलीफायर हो जाते हैं जो कि फ्लैट केस के अंदर फिट आते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ पे जो कि मॉडल हो जाता है ये है SLV का X2, यानी X सीरीज नई सीरीज आई है। अगेन यहाँ पे ये जो टॉप के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, अगेन ये इतनी ज़्यादा हैवी सीरीज़ है ना कि इसके अंदर अगर मैं 600 वाट के स्पीकर डालता ना तो भी ये रन कर देता इजीली। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रॉसओवर की, तो यहाँ पे हम ये क्रॉसओवर दे रहे हैं। क्रॉसओवर में अगेन यहाँ पे टर्बो का क्रॉसओवर होने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और
ये तो हो जाता है, ठीक है, ये एम्पलीफायर्स का सेक्शन हो जाता है। अभी बात करें मिक्सर की, तो मिक्सर में आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने यूज़ करा है डायनामाइट का, डायनामाइट ऑडियो का यहाँ पे मिक्सर यूज़ करा है। अगेन आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ डायनामाइट के स्पीकर आते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे मिक्सर एम्पलीफायर्स काफ़ी सारी सीरीज है इनके पास। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 4 चैनल का आपको एम्पलीफायर मिल जाता है, इसके अंदर ऑक्सिलरी है, इसके अंदर ब्लूटूथ, यहाँ पे USB, सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। बहुत मज़ा आएगा इसमें जब आप इसको चलाएंगे, और ये आपके PC से भी कनेक्ट हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये लैपटॉप नहीं है, इस बात का ध्यान रखना कि आप बोलो कि भैया ये सेटअप के साथ में लैपटॉप भी दे रहा, ऐसा नहीं है, ये लैपटॉप अलग है। पीछे कनेक्शन आपको देख लीजिए, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो कनेक्शन है, यहाँ से ये वायर गई है हमारे पहले टॉप के अंदर, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे इनपुट रहेगा, इसके बाद यहाँ से हमने एक आउटपुट लिया है, यहाँ पे क्रॉसओवर के अंदर डाला है, ये वाला वायर हो जाता है। इसके बाद क्रॉसओवर से हमने लो से लेके हमने यहाँ पे पहले एम्पलीफायर में डाला है। एम्पलीफायर के जो कि कनेक्शन है हम यहाँ पे मोनो कर रहे हैं, ठीक है ना। मोनो करने के बाद नीचे वाले भी सेम ऐसे ही एम्पलीफायर को हमने यहाँ पे पैच कर दिया है। दो स्पीकर्स जो हैं पीछे जा चुके हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है वो स्पीकर्स यहाँ पे लगी हुई हैं, हर एक एक सिंगल सिंगल स्पीकर लगी है। बेसिकली 2-कोर वायर है, तो ऐसा मत समझना कि एक वायर हमने यहाँ पे पैच कर दिया, 2-कोर वायर है, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। ओवरऑल ये तो हो जाता है, और बेस का मैं थोड़ा सा आपको साइज़ की बात करूँ तो ये 4-4 फीट की बेस हो जाती है, 32 इंच गहरी है, 4 फीट बाई 22 के जो है वो साइज़ हमने दे रखा है। अगेन अभी तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ, चलते हैं टेस्टिंग, मज़ा बहुत आने वाला है आज की इस वीडियो में, और देख लीजिए।
कैसे लेके टेस्ट हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना, मज़ा आ गया होगा। अगेन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, ये जो कि बेस है इसके अंदर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाइव के लिए या फिर हमने डीजे के लिए बनाया, दोनों पर्पज़ से बनाया। दूसरा यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी ध्यान दिया है कि अभी हर किसी की मनपसंद की जाली अलग अलग होती है, डिज़ाइन अलग अलग होता है। लाइक अगर आप क्वांटिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम आपके हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इसके अंदर, यानी आपके हिसाब से ग्रिल भी दे सकते हैं, आपके नाम से दे सकते हैं, क्वांटिटी में जैसा हो वैसा काम हो जाएगा। और यहाँ पे सेम टॉप के अंदर भी हम ऐसी जो कि चीज़ें हैं इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे चार बेस, दो टॉप, ये दो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा Z6 आप ले सकते हो, खर्चा बच जाएगा, बाकी Z7 बेस्ट है। इसके अलावा X2 सीरीज़ है यहाँ पे SLV की, इसके अलावा इसमें भी कुछ चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बात करूँ सिंपल, ये जो एम्पलीफायर लगे हैं मिक्सर लगा है और ये सेटअप जो लगा है इसका प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा दूसरा जो कि ऑप्शन है सिर्फ बेस का चार बेस का भी प्राइस नीचे लिखा है, और पेयर का भी प्राइस आपको जो है वो मेंशन कर दूंगा, सिंपल दो टॉप के भी प्राइस नीचे मेंशन कर दूंगा। बाकी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, डायनामाइट के इसके अंदर स्पीकर हैं, DX4 है, ऑडियोक्स का टॉप के अंदर स्पीकर डाला है, और यहाँ पे हमारा Zephyr का एम्पलीफायर हो जाता है SLV का जो कि हमने टॉप के लिए दे रखा है, इसमें भी आप जो है वो Zephyr ले सकते हैं। बाकी क्रॉसओवर और अगेन यहाँ पे टेस्टिंग पसंद आई है वो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी तरह की वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।